हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट विद ममता में मैं ममता शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा वैसे तो नॉर्मली हर घर में बनता है, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें डालकर उसको और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने गैस के ऊपर ये कढ़ाई रखी है और अब हम गैस ऑन कर देते हैं और अब इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। हलवा बनाने के लिए आपको सबसे पहले मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका मेज़रमेंट सही है तो आप यकीन मानिए आपका हलवा कभी भी गलत नहीं बन पाएगा, कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी घी लिया है, घर का बना हुआ देसी घी है। एक ही कटोरी सूजी ली है और जो सबसे खास है, जो इस हलवे को सबसे खास बनाता है, वो है एक सर्विस स्पून बेसन। इसको डालने से जो आपका हलवा है वो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा कि आप मतलब हमेशा इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। और जितना ये, जैसे एक कटोरी घी है, एक सूजी है, तो इसी का चार गुना हम यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रख देते हैं फ्राई पैन में, और इसमें हमेशा गर्म पानी का ही यूज़ करें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी गैस गर्म हो चुकी है कढ़ाई, तो इसमें हम सबसे पहले घी डालेंगे। और इस घी को पिघलने देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये एक कटोरी सूजी डाल देंगे और साथ ही साथ ये एक सर्विस स्पून बेसन डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे और गैस को लो टू हाइट रखेंगे। बट घुमाएं, नहीं तो इसमें बेसन में लम्स पड़ जाते हैं। और इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। ये झाग बेसन की वजह से ऊपर तक आई है। जैसे जैसे बेसन और सूजी भुनती चली जाएगी, ये झाग अपना बैठती चली जाएगी। और इसे लगातार हिलाते रहें वरना ये जल जाएगा। पा रहे होंगे कि इसकी झाग अब लगभग खत्म हो रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया, ये देखिए। और अभी से थोड़ा सा और भूनेंगे, लगभग 5 मिनट और, इसी फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो गाइस, आप देख सकते हैं अब इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और इस कंडीशन में हमने जिस कटोरी से सूजी नापी थी, ये इसी कटोरी से आप देख सकते हैं यहाँ पानी भी उबल चुका है। और अब हम ये पानी बंद कर देंगे और यहाँ पर इसी कटोरी से इसको हिलाते हुए पानी डालेंगे। थोड़ी संभाल के डालना, खुशी से पीछे आते हैं और पानी हमेशा चार गुना पड़ता है। हिलाते रहें वरना ये बेसन में लम्स आ जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और इसी कंडीशन में इसमें एक कटोरी चीनी। चीनी वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट के हिसाब से एक एक कटोरी का ही मेज़रमेंट है। और अब इसे आप अच्छे से हिलाएं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे होंगे कि हलवा अब बिल्कुल तैयार है। सूजी और बेसन ने पूरा पानी सोख लिया है और अब ये हलवा बिल्कुल आप खाने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से ये गोले का बुरादा या कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरे वहाँ इसको सिंपली खाया जाता है विदाउट ड्राई फ्रूट। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हलवा बिल्कुल
तैयार है खाने के लिए। और अब आप इसमें ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।